नशे की लत से परेशान, अब घबराए नहीं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। 98 करोड़ की लागत से 3 स्थानों पर नल जल योजना का काम शुरू। पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि शहर में 98 करोड़ रुपए की लागत से संचालित जल नल योजना का कार्य शहर में 3 स्थानों पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक्साइज डिपो के पीछे वार्ड नंबर 4 उत्तरवासी पोखरा एप लिबर्टी सिनेमा के पास कई वर्षों से अतिक्रमण के कारण करीब 1 वर्ष से जल मीनार निर्माण कार्य रुका हुआ था। जिला पदाधिकारी की मदद से आज एक्साइज डिपो के पीछे घुसकपुरा वार्ड नंबर 4 में पुलिस बल को अतिक्रमणकारियों का काफी विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद जल मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस जमीन पर अतिक्रमणकारी द्वारा नगर परिषद के खिलाफ एडीएम के यहाँ किया केस भी खारिज हो चुका। यहाँ हमारे कार्यालय की बड़ी उपलब्धि है। साथ ही सभापति ने बताया कि 12 जून 2019 को उत्तरवारी पोखरा का भी अतिक्रमण हटाकर जल मीनार के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम दिया जाएगा। लिबर्टी सिनेमा के पास जल मीनार के लिए आवंटित जमीन के अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस दिया गया है। सभापति ने जिला पदाधिकारियों को नगर परिषद जेल में परिषद क्षेत्र में जल नल योजना को धरातल पर लाने की योजना के लिए धन्यवाद दिया। प्राइम 80 न्यूज के लिए घनश्याम की खास रिपोर्ट।